हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। हालांकि ये टॉपिक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लर्क लेवल के लिए तो नहीं, लेकिन पीओ के प्रैक्टिस सेशन में, देन पीओ में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग क्लर्क लेवल के जो IBPS क्लर्क प्री जो 2017 होने वाला है नवंबर के एंड में, उसके बाद दिसंबर में शुरू फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपका क्लर्क में, सबसे पहला आता है जिसमें आप स्कोर कर लेते हैं वो है DI, क्योंकि DI जो है आपने देखा इवन PO में भी इतना कैलकुलेटिव नहीं आया था, तो DI एक है। अब मे भी एक आए या दो आए नहीं बता सकते, लेकिन PO में दो आया था और शायद क्लर्क में आपको एक देखने को मिले, क्योंकि उसकी जगह नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन सब तो एक साथ ही आ जाते हैं क्लर्क में। खैर, दो या मिले या एक मिले, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। देन दो नंबर में आता है आपका नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ तीसरे में आता है सिंप्लीफिकेशन, चौथे में आता है अप्रॉक्सीमेशन। देखिए, ये जो पार्ट्स हैं ये आपका जो है स्कोरिंग पार्ट है, इसमें तो स्कोर करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप क्लर्क प्री देने के लिए जा रहे हैं तो जो भी बंदे मतलब श्योर जाते हैं कि उनको सिलेक्शन लेना ही है, मतलब जो सीरियस कैंडिडेट रहते हैं और जो थोड़ा मतलब प्रिपरेशन करके जाते हैं, वो इस पार्ट को तो हिट करते ही करते हैं, इन जो पार्ट से इसको तो हिट करते ही करते हैं और वो इसको अच्छी तरह मेकअप कर लेते हैं। अब सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहता है आपका रीजनिंग में और मे बी इंग्लिश में, क्वांट में भी रह सकता है, मैं नहीं कहता क्वांट में नहीं रह सकते, क्वांट में भी रह सकता है, लेकिन एक मार्जिन जो है आपका यह है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में जो लोग थोड़ा सा अच्छा कर जाते हैं उनका जो नंबर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई चला जाता है, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी आप लोग कहीं थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लर्क में वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बेसिक लेवल के जो वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश सोल्ड ए कार टू रितु एट 20% प्रॉफिट, रितु सोल्ड इट टू गीत एट 25% प्रॉफिट, गीत सोल्ड इट टू मॉन्टी एट 10% प्रॉफिट। इफ मॉन्टी पेड ₹990 फॉर द काउ, देन एट व्हाट प्राइस राकेश परचेज्ड इट। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ राकेश लिख सकते हैं, आप यहाँ रितु लिख सकते हैं, देन गीत, देन मॉन्टी। अभी आप इसमें से देखते जाइए कि कौन कितना प्रॉफिट कर रहा है। ये 20% प्रॉफिट होने 120, ये 125, यहाँ 10 है तो यानी 110, और इसने दिया कितना, मॉन्टी ने 990, और आपको निकालना क्या है राकेश ने कितना, तो राकेश का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप यहाँ से आपको मॉन्टी का मालूम है, तो इसमें से आप गीत का निकालिए, गीत से फिर आप रितु का निकालिए, रितु से फिर आप राकेश का निकालिए। ये तो एक पार्ट है, लेकिन क्लर्क में अगर इसकी अप्रोच आप लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा डिले हो जाएगा, और ये अप्रोच एक्चुअली आप उसको मत फॉलो कीजिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, खासकर प्री का, कितने इतना टाइम तो नहीं होता। तो हम लोग डायरेक्टली इसको देखिए लिखेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। 100/120 इंटू 100/ डायरेक्टली जो आपका देखिए 120, ये 125 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होता तो लॉस का करते, देन ये मॉन्टी का भी प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो ये 100/110। आगे देखिए क्या है टोटल, यह है 990, यह है आपका 990। आपको निकालना क्या है राकेश ने कितना परचेज किया। अभी राकेश एकदम आखिर में है, तो इससे हमको जो है राकेश का, कि राकेश ने कितने में परचेज किया वो हमको मिल जाएगा। देखिए, ये है आपका 100, तो 25 4 25 5, देन दो जीरो हैं, ये 20 है, ये है, इसको पूरा काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 3, ये तो चला गया। आगे देखिए, ये 11 है, ये 90 हो गया, 11 है, ये 90 हो गया, देन और कहीं कुछ जाएगा, जी हाँ 3 30 से चला जाएगा, ये 5 है तो ये 20 बार में चला जाएगा, तो 20 30 600। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस की, जब लॉस होता है तब कैसे डायरेक्टली निकालते हैं, इसको इस प्रोसेस को करने के बजाय आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन सिक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड बाई 18, देन द एज ऑफ बी इज फाउंड। सी इज 5 ईयर्स ओल्ड एंड बी इज 12 ईयर्स यंगर देन सी, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखिए, बहुत सारा इसमें डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब डिजिट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, भले ही छोटे छोटे हो, तो
हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं और जैसा जैसा हमको बोल रहा है हम वैसा वैसा करते चलते हैं। तो क्या करा है, सिक्स सिक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ ए, चलिए घटा दिया, एंड द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। देन द एज ऑफ बी इज़ फाउंड, मतलब ये बी है, अच्छा ये हमारा आ गया। सी इज़ 5 ईयर्स ओल्ड एंड बी इज़ 12 ईयर्स यंगर देन सी, 2 ईयर्स यंगर देन सी, यानी कि 2 ईयर्स यंगर यानी कि छोटा है इससे ना, 2 साल छोटा है तो 3 है। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए यानी कि बी के जगह पे आप यहाँ 3 बैठा दीजिए, तो 18 × 3 क्या हो जाएगा जी, 54 हो जाएगा, और ये इधर 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ, 18 × 3 हो जाएगा 54, इसको प्लस है माइनस में है तो इधर लेके जाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो एक जब वैल्यू है जो ये आपका 60 आ जाएगा। इन ए क्लास ऑफ, इन द क्लास ऑफ एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, 5 स्टूडेंट अमंग देम हैज द एवरेज एज ऑफ 14 ईयर्स एंड 9 स्टूडेंट अमंग होगा अमंग देम हैज 16 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द 15 ईयर्स। अच्छा मतलब 5 बंदों का दिया हुआ है, 9 बंदों का दिया हुआ है, एक बंदा बच जाता है क्योंकि हमको 15 स्टूडेंट्स का निकालना है, एवरेज एज दिया हुआ है, तो एक स्टूडेंट का कितना एज है वो आपको निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं एग्ज़ाम में आप इसको नहीं लिखने हैं, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे, तो ऐसे कोने में थोड़ा सा साइड ले लीजिए पेपर के और इसमें डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर मार्क कीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ 15 × 15, ठीक है, यहाँ 5 × आपका 14 क्योंकि ये हमको घटा देना है, माइनस हो जाएगा 9 × ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये 16 दिया हुआ है, चलिए ये हो जाएगा 15 × 15, आपको मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर याद कीजिए, 15 × 15 225, 5 × 14 70, 9 × 16 144, ठीक है। अभी देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 214, 214 अगर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 11, है ना, 11 आंसर है, ठीक है। ए कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 5 मैन एंड 4 वोमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट थ्री मैन इन द कमिटी, 5 बंदों का इसमें कमिटी बनना है जिसमें 5 मैन हैं और 4 वोमेन हैं, उसमें से आपको मतलब कह दिया है कि प्रोबेबिलिटी निकालना जिसमें 3 मैन तो हो ही हो, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 5 मैन में 3 मैन तो हमको रखना ही है और 2 बंदे 2 बच जाते हैं तो 2 जो है इसमें से वुमेन हो सकती है, चलिए यह पहला कंडीशन हो गया। एक कंडीशन ये हो सकता है कि 5 में से जो 4 हैं वो मैन हो, अभी एक बच जाता है तो एक वुमेन हो सकता है, एक वुमेन हो सकता है, ये हमारा कंडीशन हो सकता है। आगे देख लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 5ों में 5ों मैन हो और वुमेन कोई ना हो, क्योंकि हमको वुमेन मैन का एटलीस्ट हमको 3 बोला था, वुमेन लेना ही है ये कंपलसरी हमको नहीं बोला था इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर पॉसिबिलिटी बन गया। अभी ये टोटल हमारा क्या है, 5 4 9, 9 में हमको सिलेक्ट करना है कितने का, 5 बंदों को सिलेक्ट करना है, चलिए ये अभी हमको कैलकुलेट करना है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5 3 2 देन 3 2 1, इसको अगर आप चाहें तो इसको आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कैलकुलेट मतलब बहुत अच्छे से जो कैलकुलेट करते हैं वो मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए 5C4 क्या होगा, क्योंकि ऊपर 5 × 4 होगा, नीचे 4 से तो आपका जो भी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा ओनली आपका 5, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। 4C1 जब होता है तो क्या होता है, ऊपर का जो वैल्यू होता है ये 4 ही हो जाएगा आपका, क्योंकि क्योंकि नीचे तो 1 है आपका, ठीक है, तो नीचे 1 का आप उसका और कुछ नहीं लिख सकते, तो ये आपका जो है 4 हो जाएगा। प्लस देखिए 5C5 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, 4C0 इसका भी वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो ये जो है हमारा ऊपर का पार्ट आ गया। अभी नीचे का पार्ट देख लीजिए, ये है आपका 9, ये है आपका 8, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 5, नीचे 5 है, 5 4 3 2 एंड 1, 5 को कैंसिल कीजिए, 3 2 6 को कैंसिल कीजिए, 4 2 8 को कैंसिल कीजिए, 18 × 7 216, ये हो जाएगा 216, इसको देख लीजिए 3 कैंसिल 2 कैंसिल, 5 अच्छा 5 4 था ना, यहाँ 5 4
थ्री होना चाहिए था, तो थ्री कैंसिल हो गया टू। अच्छा यहाँ पे टू कैंसिल, देखिए फाइव टू या टेन ये आ गया, ओके आपका थ्री टू या सिक्स, थ्री टू या सिक्स, तो टेन इंटू सिक्स इज सिक्सटी, सिक्सटी प्लस देखिए फाइव फोर या ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन, तो ये हो गया आपका 81 बाई 216। लेकिन हमको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, 99 या 81, 99 या 81, आगे देखिए यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ये तो 9 से नहीं जा रहा, अच्छा कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हम लोगों ने, ये हो रहा था आपका 92 या 18, अच्छा ये 112 होगा, सॉरी 112, 91 या 94 या 36 राइट, तो 9 बाई 14। देखिए मैं एक तो माउस से लिख रहा हूँ फ्रेंड, इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप पेन से लिखेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली ये 5C3 आप लिखिए ही मत, डायरेक्टली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इस पार्ट को आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, इस पार्ट को कैलकुलेट कीजिए और ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि कैसे होता है, नहीं है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं प्रोबेबिलिटी का भी जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इफ़ ए पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 2/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड देन ही टेक्स 1 आवर मोर इन वॉकिंग सर्टेन डिस्टेंस, द टाइम टू कवर द डिस्टेंस विथ नॉर्मल स्पीड इज, तो चलिए स्पीड को x मान लेते हैं और टाइम को y मान लेते हैं, लिख लेता हूँ मैं, स्पीड इज x एंड टाइम इज y, ये मान के चलिए कि नॉर्मल स्पीड है। अभी क्या कह रहा है, इफ़ ही रिड्यूसेस द स्पीड इज 2/3, अगर 2/3 उसने घटा दिए तो स्पीड बचा कितना 1/3, और टाइम क्या है, देन ही टेक्स 1 आवर मोर इन वॉकिंग सर्टेन डिस्टेंस, जितना उसने टाइम ले रखा था उससे 1 आवर मोर अभी ले रहा है, तो द टाइम टू कवर द डिस्टेंस, यानी कि आपको y का वैल्यू निकालना है तो आपको x का कैंसिलेशन करना पड़ेगा, और इक्वल टू है तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिए क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, इधर हो जाएगा y प्लस 1, सो दिस इज ये 2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये व्हाट इज 1/2 इज 0.5। ए सिलेंड्रिकल वायर इज मेल्टेड टू कास्ट इनटू अनदर वायर ऑफ 1/4 रेडियस, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ओल्ड वायर, ओल्ड एंड न्यू वायर, चलिए सिलेंड्रिकल का दोनों मतलब सिलेंड्रिकल है, पाई आर वन स्क्वायर इंटू लेंथ इक्वल्स टू पाई आर टू स्क्वायर एल वन, लेकिन ये आपका होना चाहिए, ठीक है, ये एल वन, ये एल टू है, ठीक है, ये एल टू है आपका, ये सिलेंड्रिकल वायर इज मेल्टेड टू कास्ट, अभी जब मेल्ट करेगा तो मेल्ट करेगा तो वैल्यू वॉल्यूम तो कुछ चेंज नहीं होता ना, वॉल्यूम वही रहेगा आपका, लेकिन आपका क्या बोल रहा है कि अनदर वायर, शायद उसको लंबा कर दिया या थोड़ा सा मोटा कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उसका जो वायर है, जो सेकंड जो उसने बनाया, तो दैट इज 1/4 ऑफ द रेडियस, 1/4 ऑफ द रेडियस किसका है, इसका 1/4 है, तो पाई पाई जब आप कैंसिल करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 1/r1 स्क्वायर इंटू एल1, और ये हो जाएगा इसका 1/4, इसका 1/4 यानी कि 1/4 आर वन का स्क्वायर। आई होप मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया, देखिए इसमें आपको बोल रहा है इस कंडीशन में कि सिलेंड्रिकल वायर इज मेल्टेड टू कास्ट इन अनदर वायर ऑफ 1/4 ऑफ रेडियस, मतलब आर वन यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा 1/4 आर वन, ये चेंज हो गया, ठीक है। अभी आपको एल वन बाई एल टू निकालना है क्योंकि लेंथ का आपको रेशियो निकालना है, तो एल वन बाई एल टू यहाँ पे आर वन स्क्वायर और यहाँ पे भी आर वन स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/4 का होल स्क्वायर है, तो दैट इज 1/16। मैं पूरा आपको नहीं लिख रहा हूँ, 1/16, 1/16 नहीं है, 16/1 है, तो नन जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ एरिया 462.25 स्क्वायर फीट एट द रेट ऑफ 34 पर फुट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में सीएनडी है और एक ऑप्शन पांचवा जो है नन है, बहुत लोग जो है इसमें बिना देखे सीएनडी भी मार देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एरिया आपका दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, पेरीमीटर होता है आपका 4a, तो आपको इसमें से निकाल लेना है क्या, पहले पेरीमीटर आप निकाल लेंगे, उसके साथ जब आप रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ जो ये है फेंसिंग है वो निकल जाएगा, लेकिन
आपको ए निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस है, तो 4622.25। ये तो बहुत बार हम लोगों ने कराया, पाँच कहीं पे भी यूनिट डिजिट है तो इसका लास्ट में पाँच ही आना है। तो अभी देखिए 462, व्हाट इज 462, इसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज 20, 400, व्हाट इज 21, 441, व्हाट इज 22, 484। सो 484 बड़ा हो जाएगा तो हमको क्या लेना है, 21 लेना है, दैट इज 441। सो दिस इज 21.5, 21.5, सो 4 × 21.5, तो देख लीजिए 4 × 21.5 आपका क्या आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 4 = 20, दैट इज 4 × 4 = 6, 86। सो दिस इज 86, 86 × 34। अभी आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम जाएगा, डायरेक्टली आप ऐसे मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है, 3 6 18 1 3 24 25, दैट इज 0 4, से इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 24 4, दिस इज 3, सो हियर दिस इज द आंसर। अगर आपको और शॉर्ट फॉर्म में करना है तो 80 को 80 में ब्रेक कीजिए, प्लस 6 कीजिए, 80 प्लस 6 कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको जैसे बेस्ट लगता है वैसे कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए, ठीक है, और भी मैं क्वेश्चंस आगे डिस्कस आप लोगों के साथ में करूँगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लर्क लेवल के सिलाउस मैंने डिस्कस किए, पजल्स मैंने डिस्कस किए, नंबर सीरीज मैंने डिस्कस किए, उसके लिंक मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका लिंक जो है दे दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, बीच में मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा बाहर गया था मैं, और अभी मैं लिंक यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग कमेंट जो है ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि कमेंट से मुझे पता लगता है कि आप लोगों को किस और टॉपिक में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू।